प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के दामाद आईएएस अधिकारी अजय यादव दोबारा उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आ सकते हैं। अजय यादव मूलतः तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। एक ओर अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर होने वाले शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में आने की चर्चा तेजी से है, तो दूसरी ओर उनके आईएएस दामाद को दूसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति मिलने की संभावना भी प्रबल है। शिवपाल यादव भी इसके लिए प्रयासरत हैं। इसको लेकर पिछले दिनों शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। इसके बाद एक बार फिर नियुक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश हुआ है कि वो अजय यादव की यूपी में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। साल 2018 में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। सहारनपुर के रहने वाले अजय यादव तमिलनाडु कैडर 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वो 28 अक्टूबर 2015 से यूपी में तैनात किए गए थे। उनकी प्रतिनियुक्ति 31 दिसंबर को खत्म हुई थी। नियम के मुताबिक किसी भी आईएएस को अपने गृह प्रदेश में दो बार प्रतिनियुक्ति मिल सकती है। ये प्रतिनियुक्ति 5 साल के लिए होती है, जो 2 टुकड़ों में दी जाती है। 2018 में भी उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग ने अजय यादव को 2 साल की प्रतिनियुक्ति देने की कोशिश की थी। तब केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय और फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। अजय उस वक्त यूपी सरकार में भूमि सुधार निगम के एमडी पद पर तैनात थे। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से अजय कुमार को अब उत्तर प्रदेश में तैनाती मिलने की पूरी संभावना है। वो अपने प्रतिनियुक्ति के 5 साल में से 3 साल भले ही पूरे कर चुके हों, लेकिन अभी भी 2 साल का वक्त उनके पास बचा है, जो वो उत्तर प्रदेश में रहकर पूरा कर सकते हैं, जिसको लेकर शिवपाल यादव अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं।